उधर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों के में घिर गया है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर आलोचना की जा रही है। इसके अलावा कई राज्यों में भी इसका विरोध हो रहा है। कुछ लोग तो फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं थिएटर जलाने की बात कही जा रही है। ऐसा क्या है इस गाने में जिसका जमकर विरोध हो रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। न तो रंग कभी बेशर्म था, न है और न कभी आगे रहेगा। लेकिन फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। बेशर्म रंग सॉन्ग में दीपिका की ऑरेंज कलर की बिकनी का विरोध किया जा रहा है। कई संगठनों का कहना है कि भगवा कलर आस्था का प्रतीक है, इसलिए इस रंग की बिकनी पहनकर बेशर्म रंग पर डांस करना सही नहीं है। पठान के गाने को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर अब मुकेश खन्ना ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने शाहरुख और दीपिका की फिल्म के गाने को अश्लील करार दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे टीवी और फिल्म देखकर बड़े हो रहे हैं, इसलिए सेंसर बोर्ड को ऐसे गानों को पास करना ही नहीं चाहिए। आज हीरोइन वही करती है जो हेलन क्या करती थी, लेकिन हेलन कपड़े पहन कर करती थी, ये लोग कपड़े उतार कर। बनाने वाले का या तो उसको नॉलेज नहीं है, चुगिया को वो सिर्फ चुगिया समझते हैं, उसको मालूम नहीं कि चुगिया हमारे एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और वो धर्म आजकल खड़ा हुआ है, वो धर्म आजकल चपटे मार रहा है, बॉयकॉट कर रहा है। पता नहीं, मुझे तो सुबह ही जब कहा गया आप कोई नहीं करती है, पहले सिर्फ एक फिक्स्ड आइटम गर्ल्स होती थी, हेलन ने बहुत बड़ा तबका किया था उस पर। आज हीरोइन वही करती है जो हेलन क्या करती थी, लेकिन हेलन कपड़े पहन कर करती थी, ये लोग कपड़े उतार कर। मुझे ऑब्जेक्शन वो क्या लिमिट है, वी आर नॉट अमेरिका और फिनलैंड और स्पेन। हमारे यहाँ पर औरतें बुर्का पहन के आज भी गाँव में जाती हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भाजपा नेता राम कदम भी खुलकर पठान के विरोध में उतर गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पठान फिल्म का विरोध किया और कहा कि देश का साधु संत के अलावा सोशल मीडिया पर लोग और कई हिंदू संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है, बेहतर होगा कि फिल्म निर्माता अपना रुख स्पष्ट करें। वही मध्य प्रदेश में भी इस गाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस गाने को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने इस गाने को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि गाने के सीन और पहनावे को ठीक नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश में इस फिल्म की रिलीज को लेकर विचार किया जाएगा। प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। वहीं इस मामले में अयोध्या के हनुमान गढ़ी के मंत्र राजू दास भी कूद पड़े। उन्होंने एक कदम आगे जाकर कहा कि जिस थिएटर में यह फिल्म लगे उसे फूंक दो। दुष्टों के साथ दुष्टता का आचरण ही करना चाहिए। पंत राजू दास सीधे सीधे हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से वेगरी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आशा से ठेस पहुंचाना हो गया? और कुछ नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। मजे की बात यह है कि महंत को इस बात की जानकारी कहां से मिली कि दीपिका ने भगवा रंग की पिकनी पहनकर बोल्ड सीन दिया है। या तो
गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही उन्होंने भी देखा है या फिर उन्होंने इस गाने को पूरी तरह से देखा ही नहीं है, क्योंकि इसी गाने में दीपिका कई रंगों के कपड़े में नजर आ रही है। महंत राजू दास जैसे लोगों को यह साफ करना होगा कि उन्हें दिक्कत किस बात से है, दीपिका से, शाहरुख से, अश्लील गाने से या फिर भगवा रंग से। अगर भगवा रंग से है तो वे भी इस रंग के लंगोट को पहनना छोड़ दें। पठान कंट्रोवर्सी पर शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ी। शाहरुख ने इशारों में कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नैरेटिव दिया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि निगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है। शाहरुख कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। Cinema is perhaps the most important medium of modern times. From inception, humanity has built its civilization on the expression and sharing of its journey. Cinema, and in fact the advent of articulation through social media platforms, have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative. Bhagwa Rang RSS शिवसेना का भी है और भगवा रंग से जुड़ी अपनी मान्यताएं भी है। ऐसे में क्या जानबूझकर इस रंग के कपड़े में गाना रखा गया है? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अगर ऐसा है तो यह गुस्ताखी से कम नहीं है, और तब मौसम बदले या ना बदले, शाहरुख खान को अपनी कुर्सी की पेटी तो बांधनी ही पड़ेगी। एनी न्यूज़।